नाउ वी विल डील विद द फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स क्यूएफ, लेकिन उसके लिए इस ग्राफ का एक ट्री बनाना होगा हमें, अ ट्री फॉर दिस ग्राफ, एंड आई वुड लाइक टू चूज अ डिफरेंट ट्री दिस टाइम. ओके, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5. We see the directions. It's like this. Fine. Now I would have to choose a tree for this, and this time I'm choosing it to be something like this. You can choose the tree of your own choice, but this is my choice for this particular example or question. Okay. I've chosen tree to be as 2, 5, and 3. This is my tree. So T is equals to 2, 5, and 3. Then T bar will be what? The co-tree will be जो बच गया 1 and 4. I told you that if you want to find out F cut sets, तो हमें F cut set equation लिखनी है. I will have to write F cut set equation. Fine. तो F cut set equation लिखेंगे. F cut set equation. Okay. If I have to write F cut set equation, सबसे पहली चीज क्या? इस ग्राफ में आप मेंशन कर दें कि आपकी कॉर्ड्स कौन कौन सी हैं और ब्रांचेस कौन कौन सी हैं. तो जो मैंने रेड के साथ हाईलाइट कर दी है वो ब्रांचेस हैं और जो ब्लैक रह गई वो कॉर्ड्स हैं. अब एक बार में एक ब्रांच रिमूव हो सकती है, रिमेंबर. एक बार में एक ब्रांच रिमूव हो सकती है और उसके साथ दो कॉर्ड्स रिमूव कर सकते हैं. नाउ थोड़ा सा ये ट्रिकी पड़ेगा, दैट्स व्हाई डेलिबरेटली आई हैव चोजन दिस टाइप ऑफ अ ट्री. तो ब्रांच सेलेक्ट कीजिए, यू हैव सिलेक्टेड लेट्स से 2 के साथ में मैं 3 और 5 नहीं रिमूव कर सकता. 2 के साथ में आई कैन नॉट रिमूव 3 और 5, बट आई नो दैट ओनली रिमूविंग 1 वुड डू द जॉब फॉर मी. 2 का डायरेक्शन ऐसे है तो 2 के साथ में बस एक -1 और आ जाए तो यहां पे मेरा नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द कट सेट फॉर ब्रांच 2. अब आते हैं ब्रांच 2 के लिए, कंप्लीट कर लिया हमने ब्रांच 5 के लिए. याद रखें, अब ब्रांच 5 के साथ 2 और 3 रिमूव नहीं किया जा सकता है. ब्रांच 5 के साथ 2 और 3 रिमूव नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ब्रांच 5 के साथ 2 और 3 रिमूव नहीं कर सकते. तो क्या रिमूव करें? ब्रांच 5 के साथ 1 और 4 रिमूव कर लीजिए. और डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि 5 है ना, तो 5 वाला डायरेक्शन होगा फ्रॉम आउट टू इन. सो इट वुड हैव 1 विद अ नेगेटिव साइन एंड 4 आल्सो विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है, नाउ वी विल हैव टू डील विद 3. तो जो थर्ड है ब्रांच, उसके लिए क्या होगा? थर्ड के लिए तो सिंपली दिख रहा है यहां से ही, बट यू जस्ट टेक दिस वन, यू ओनली रिमूव 4 बट विद अ नेगेटिव साइन. सो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आई. अब इन 3 इक्वेशंस की डायमेंशंस देखिए क्या है, v-1. इन 3 इक्वेशंस की डायमेंशन है v-1 और q की डायमेंशंस क्या थी? q की डायमेंशंस वर v-1/e. तो qf की डायमेंशन भी यही होती है. अब हमें 2, 3, 5, 1, 4. मैंने इसे अलग करके क्यों लिखा है आप अभी समझ जाएंगे, बिकॉज आई एम मेकिंग QF मैट्रिक्स जिसमें पहला हाफ पोर्शन बता रहा है ट्री को, दूसरा हाफ पोर्शन बता रहा है को ट्री को. ठीक है, और आप देखिए ओनली 1 ब्रांच इज प्रेजेंट एट अ टाइम. तो मान लीजिए ओनली 2 इज प्रेजेंट, 3 and 5 विल बी एब्सेंट. एंड 1 वॉज कमिंग विद अ नेगेटिव साइन एंड 4 वॉज एब्सेंट इन दिस. तो इसको मान लीजिए मैं C1 बोल रहा हूं, C2 और C3. तो C1 की इक्वेशन मैंने लिख दी, अब C2 की लिखेंगे.
पहले सी थ्री लिखने दीजिए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा लगेगा फिर. जीरो वन थ्री इज प्रेजेंट, फाइव इज नॉट प्रेजेंट, नाउ फोर इज प्रेजेंट विद अ नेगेटिव साइन. अब सी टू लिख देता हूं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सा बनाने के लिए मैंने ऐसा किया. नाउ टू इज नॉट प्रेजेंट, थ्री इज नॉट प्रेजेंट, फाइव इज प्रेजेंट, ओनली वन ब्रांच एट अ टाइम, एंड बोथ वन एंड फोर आर प्रेजेंट विद नेगेटिव साइन. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल कटसेट मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू अ ट्री. फंडामेंटल कटसेट मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू अ ट्री. एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई मेकिंग फंडामेंटल कटसेट मैट्रिक्स विद डिफरेंट रिस्पेक्ट टू सेपरेट या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज फॉर दिस ग्राफ. ओके, दैट यू कैन डू एट होम एज अ होमवर्क. आई रियली डोंट फील गुड इन गिविंग यू DHS बिकॉज एनीवेज यू विल हैव टू वॉच दिस रिकॉर्डिंग, द टीचर इज नॉट देयर. You will be confused. You will re-watch these recordings. You will pause it. You will try to grab. You will try to understand that. That's why I'm not giving you DHS. But if you have got it, what I'm teaching right over here, आपको समझ में आ गया है, then you try to do it for some other tree. And if you will send me that, I'll be really happy. Now, a few summarizing points. आप कॉपी पेन निकाल कर उन समराइजिंग पॉइंट को लिख लीजिए. दैट द सब मैट्रिक्स ऑफ QF, जो QF अभी हमने बनाया ना, देयर इज अ सब मैट्रिक्स इन इट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ब्रांचेस. विच इज अ यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, हमें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लग रही है, और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखिए ये वाली मैट्रिक्स, ये इसकी पूरी QF की सब मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एक्सक्यूज मी, इसका की साइज क्या होगा? ऑफ साइज v-1 by v-1. तो जब केवल एक ही मेंशन किया जाए ना, मैट्रिक्स ऑफ साइज v-1, समझ जाइए स्क्वायर मैट्रिक्स है. जनरली v-p होगी और v-p फॉर डिस्कनेक्टेड ग्राफ. अच्छा, देयरफॉर रैंक ऑफ QF इज इक्वल्स टू v-1. रैंक ऑफ QF इज v-1. अब क्योंकि आप देखें QF जो है वो कंटेन्ड था QA में, बिकॉज QA वॉज सेट ऑफ कट मैट्रिक्स ऑफ ऑल कट सेट, तो QF वॉज कंटेन्ड इन A, देयरफॉर रैंक ऑफ QA विल बी एटलीस्ट इतनी तो होगी ही होगी, v-1. रैंक ऑफ QA विल बी एटलीस्ट v-1. राइट, अब ये जो हमने मैट्रिक्स और इनकी रैंक्स निकाली हैं, इनका KCL और KVL से क्या लेना देना है, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में. ठीक है, ऑल्दो हमारे क्वेश्चन बैंक के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से वी हैव फिनिश्ड आर यूनिट 4 ऑल्सो, but I feel this is incomplete if I would finish it over here just for the sake of completeness. और आपको एक feel आने के लिए कि अच्छा ये सारी matrix वगैरह हम KVL KCL को easy बनाने के लिए कर रहे थे, then I would also feel like satisfied in teaching this. That's it. Thank you all of you.